स्वामी दीपांकर, शुरुआत आपसे करूंगा। हिंदू धर्म धोखा है, ब्राह्मणों की साजिश है, ये ब्राह्मण धर्म है जो ये थोपने की कोशिश कर रहे हैं पिछड़ों पर, दलितों पर, बताइए क्या कहेंगे आप इस पर? हम लोग जब स्टडी करते थे ना, तो दादा स्टडी में एक थॉट आता था, वो थॉट बड़ा क्लियर था, बोले कि डेथ विल किल यू लेटर बट योर इग्नोरेंस विल किल यू मच बिफोर इट। बोले मृत्यु मारेगी नहीं मारेगी छोड़ दीजिए, ना समझी पहले मार देती है। मुझे याद आता है आपसे एक हफ्ता पहले का वो शब्द, जब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ऋषि सुनक मैं हिंदू हूं, अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार तुलसी गबाड़ कहती है आई एम प्राउड हिंदू, स्वामी विवेकानंद उस काल में कहते हैं कालखंड में कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है, और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत रत्न कहते थे कि हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। अर्थात ऋग्वेद के बृहस्पति आगम में स्पष्ट है कि जो हिंदू का स्थान है वही हिंदू स्थान है। सुमेरु तंत्र में अनेक वर्णन है हिंदू शब्द के, उसके बाद भी मैं ये उत्तर देने की स्थिति उनके लिए नहीं है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के लिए मैं उत्तर नहीं दे रहा। मैं ये उत्तर देकर प्रश्न अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस बयान का समर्थन करते हैं? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हिंदू धर्म एग्जिस्ट नहीं करता? क्या हिंदू नहीं होते? और मुझे याद है वो पंक्तियां कि जिसमें तमाम नदियां आकर गिरे वो सिंधु हैं हम, हमें गर्व है खुद पर दादा हिंदू हैं हम, तो कम से कम हिंदू बनना सीखिए। नहीं, लेकिन फिर एक सवाल है अवनिजेश अवस्थी जी, आखिर क्योंकि आरएसएस तो ये कहती है कि यहां तो सबका डीएनए एक है, सभी हिंदू हैं, और वो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म कुछ धर्म ही नहीं है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए एक बात बड़ी साफ सी है गौरव जी, कि स्वामी प्रसाद मौर्य के लगातार, सिर्फ आज की बात नहीं है, हिंदू धर्म एक धोखेबाज है, हिंदू धर्म धोखा है, ये कहने से पहले वो श्री रामचरित मानस गोस्वामी तुलसीदास जी की लिखी हुई कृति, जिसके बारे में यहाँ के लोग नहीं, जिस अंग्रेज ने भारतवर्ष का इतिहास लिखा उसने कहा मध्यकाल में भारतवर्ष पर दो ही लोग राज करते थे, एक अकबर और दूसरा गोस्वामी तुलसीदास, और अगली पंक्ति लिखी कि अकबर के पास तो सिर्फ राजनैतिक शक्ति थी लेकिन गोस्वामी तुलसीदास विराट हिंदू हृदय पर शासन करते थे, ये उनकी बात है जिसके बारे में स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोला था। बात बड़ी महत्वपूर्ण सी है यहाँ पर गौरव जी, एक बात बड़ी साफ सी है, देखिए यहाँ पर ये कहा गया एक कांग्रेसी नेता द्वारा कि हिंदू शब्द का अर्थ इतना गंदा है कि मैं आपके सामने बोल नहीं सकता। यहाँ पर बाकी सब जब आतंकवाद होता था तो कहा गया कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन उन्हीं नेताओं ने जिन्होंने कहा था कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, उन्होंने कहा भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद शब्द ईजाद किया। इस देश में लगातार जिस तरीके से हिंदुओं को अपमानित प्रताड़ित और उपेक्षित किया जाता रहा है, आज स्वामी प्रसाद मौर्य उसकी कड़ी है। और आपने सही कहा कि अखिलेश यादव को ये जवाब देना पड़ेगा कि अब तक ऐसे व्यक्ति को अपनी पार्टी में रखना और उनको पदोन्नत करके महासचिव बना देने का आपके बीच में मंतव्य क्या है? पड़ेगा प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी, आप कह रहे हैं जवाब देना पड़ेगा, अखिलेश यादव तो कोई प्रवक्ता ही नहीं भेजते इस मुद्दे पर। अरे जवाब जनता को देना पड़ेगा, सुनिए प्रवक्ता नहीं है, जनता ही तो, अरे जनता जवाब मांगेगी उनसे, जनता ही तो देख रही है, केवल अखिलेश यादव नहीं, ना बीजेपी ना कांग्रेस, कोई इस डिबेट में अपना प्रवक्ता नहीं भेजता, हिंदू कहते हैं हमें इस पर बात नहीं करनी है और वहां पब्लिक में वो इस तरह के बयान देते हैं, पब्लिक समझती है ना। हमारे साथ प्रोफेसर सतीश प्रकाश जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर सतीश प्रकाश दलित चिंतक भी हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। प्रोफेसर सतीश प्रकाश, स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि हिंदू ब्राह्मणों की साजिश है हिंदू धर्म धोखा है, ऐसा तो कोई धर्म ही नहीं है, बतौर दलित चिंतक आप इस पर क्या कहेंगे? क्या वाकई ऐसा है? सुनिए देखिए, धर्म कोई खराब नहीं है, कुछ धर्म के अंदर कुछ तथाकथित लोगों ने धर्म का लाभ पाने के लिए कुछ व्यवस्थाएं पैदा करी। मुझे ब्राह्मण से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्राह्मणवाद के उस हिस्से से कहीं ना कहीं दिक्कत रहेगी कि जो शोषण पे आधारित हो, जहां दूसरे लोगों के अधिकार मारे जाते हो, जहां कहीं ना कहीं एक वैमनस्य की व्यवस्था पैदा की जाती हो, जहां मानवता मारी जाती है। और मैं ऐसे बहुत सारे ब्राह्मण दोस्तों को जानता हूं कि जो ऐसी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मानते नहीं है, ऐसे लोगों का स्वागत होना चाहिए। देखिए खामियां सबके अंदर है, अब ये समय आ गया है कि उन खामियों को पीछे छोड़ करके उन छोटी छोटी थी, समय था हजार साल पहले, बुरा हुआ है ना। स्टूडियो में आवाज दीजिए सतीश प्रकाश की। जी जी सतीश जी बोलिए सतीश जी, लेकिन आपने शायद उनका बयान पूरी तरह से पढ़ा नहीं या सुना नहीं,
पढ़ा है आपने? नहीं, नहीं, मैं वो क्या कह रहे हैं सुनिए सुनिए, आपने ब्राह्मणवाद का जिक्र किया, वो कह रहे हैं ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं और सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू नाम का कोई धर्म है ही नहीं, हिंदू धर्म केवल धोखा है। ये आप मानते हैं इस बात को? देखिए कोई भी वाद, मैं फिर ये कहूंगा, कोई भी वाद नहीं, ब्राह्मणवाद शोषण, आप सुनिए सुनिए, कोई भी वाद जो शोषण पे आधारित हो, जो गलत चीजों के ऊपर पनपता हो, जो प्रगतिशील ना हो, जिसमें किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता हो, जहां मानवता मारी जाती हो, ऐसी किसी भी व्यवस्था को कोई भी सभ्य समाज में व्यक्ति उसको डिफाइन नहीं करेगा। मेरा जी ये इतनी लंबी चर्चा करेंगे तो हम बहुत आगे चले जाएंगे। मैं पूछ रहा हूँ हिंदू धर्म है नहीं है, आप इस पर अपनी राय दीजिए। अरे आप सुनिए ना, देखिए देखिए देखिए, हिंदू धर्म है या नहीं है इसके बारे में तो धर्म गुरु हमारे बीच बैठे हैं ना, और हिंदू धर्म होगा या नहीं होगा ये तो चर्चा का विषय थोड़ा ही है। देखिए आप पब्लिक स्पेस में आप बोल देंगे हिंदू धर्म नहीं है और आप कह रहे हैं चर्चा का विषय नहीं है। नहीं देखिए सुनिए सुनिए सुनिए, मेरा कहना ये है कि इस तरह की धार्मिक चर्चाओं से हट करके हमको एक प्रोग्रेसिव और एक बड़ी सोच के साथ होना चाहिए। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान गलत है तो आज आदित्यनाथ योगी जी ने बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लॉन्च करते वक्त ये कहा, अपने लीडर से ये कहा कि अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया के ऊपर कोई बात कहता है तो आप खुलकर के बिना तथ्यों के आधारित आकर के उसको कुचल दो, उसको बात कर दो।